अपने भीतर जो प्राण होते हैं, प्राणों के पांच रूप हैं। यज्ञ में भी इन पांच नामों से आहुति दी जाती है, प्राण, अपान, उदान, वयान और समान। ये पांच प्राण देह में अवस्थित रहते हैं। प्राण किसको कहते हैं? जो श्वास प्रश्वास है, जो हम श्वास लेते छोड़ते हैं, इसको प्राण कहते हैं। जो निम्न वायु है, जिसको गुदा भाग से छोड़ देते हैं, उसको अपान कहते हैं। जो उद्धर्व वायु है, जो ऊपर की ओर चलती है, उसको उदान कहते हैं। और जो वायु सारे शरीर में रहती है, माने सब शरीर में फासला बनाए रखती है, वैक्यूम बनाए रखती है, उसको वयान कहते हैं। और जो नाभि स्थान पर वायु रहती है, उसको समान कहते हैं। ये जो नाभि स्थान पर वायु रहती है, यही प्राण वायु को आकर्षित और विकर्षित करती है। शरीर के भीतर ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, वो समान है।